हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिभा गुप्ता एंड वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हैं, थोड़ी बहुत भी आपको सिलाई आती है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को यहाँ पर चार फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है अपने हिप के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, यानी कि तीरा। तो तीरा मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। अब उसके बाद अमूल हम भी 7 इंच रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं, इसमें कोई बाजू अटैच नहीं कर, इसलिए हम 7 इंच रखेंगे। अगर आप बाजू अटैच करके बनाना चाहते हो तो आप 7.5 इंच रखें, जैसा कि अपनी सारी वीडियो में बताती हूँ मैं। अब देखिए, जितना भी आपको चेस्ट हो उसे इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करें एक बार, फिर अगेन एक बार फोल्ड करें, तो आपका चौथा हिस्सा आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 36 है, 36 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती तो आप इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके मेजरमेंट निकाल सकते हैं अपना। अब देखिए, ऊपर से हमें नीचे की ओर डाउन करना है 14 इंच। ये देखिए, यहाँ पे हम अपने वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट आपको जितना उसमें आप 4 से डिवाइड करें एंड देन उसके बाद 2 इंच लूजिंग के लिए रख लें। तो यहाँ पर जितना भी मेरा है उसे मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, उसके बाद मैं लूजिंग के लिए ऐड कर लिया 2 इंच। अब देखिए, अमोल के पास से हम नीचे की ओर 14.5 इंच पर डाउन करेंगे। आप 14 से 14.5 इंच डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से मार्क कर लेना, जितना आपका चौक जहाँ से आपको ओपन करना है वहाँ पे अब उससे 400 डिवाइड करके 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लें। तो आपका जो भी मेजरमेंट हो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से सेट कर लें। अब देखिए, सारे को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, सारे लाइन को मिला देंगे, ताकि हमें जब हम सिलाई करें तो हमारे चौक एग्जैक्ट पता चले और हम सिलने में हमें आसानी हो, हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपको सिलाई करते समय आसानी होगी। तो इस तरीके से मैं इसे पहले मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ देखिए, मेरा चेस्ट और हिप एंड वेस्ट सबकी मार्किंग हो गई। अब इन सारी लाइन को हम इस तरीके से स्केल की मदद से मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं तो आप फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, इस तरीके से हमने मिला दिया यहाँ पर चेस्ट वेस्ट एंड हिप। ओके, अब चलते नीचे की ओर। तो नीचे देखिए, मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कि जो लंबाई मैंने लिया वो मेरा है 42 इंच। जब ये मैं रेडी होगा तो मेरा 40 इंच आ जाएगा, 1 इंच ऊपर सिलाई की जाएगा, नीचे 1 इंच फोल्डिंग के लिए। अब मैं आपको दामन बताती हूँ दामन कैसे रखना है। तो दामन यानी कि चौक जो है वो, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, मैक्सिमम 10 से 11 इंच रहता है। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी लूजिंग के लिए, सॉरी यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मतलब। अब इन सारी लाइन को भी इस तरीके से हम मिला देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी मार्किंग हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब चलिए हम अमोल की डीपनेस का मार्क करते हैं, तो यानी गहराई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक का लूँगी 1.5 इंच और फ्रंट का लूँगी मैं 1 इंच। इस तरीके से हम मार्क करके एक इस तरीके से फ्री हैंड पर मार्किंग वो राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कर्व शेप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फ्री हैंड पे दे रही हूँ ताकि सबको इजी रहे बनाने में। नेक में आपको जब मैं सिलाई करूँगी तब मैं बताऊँगी नेक कैसे पलटी करना है, और नेक की मैं डिज़ाइन में इसमें 2 तरीके के बताऊँगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएँ। अब मैं सारे पैटर्न को कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें अपने जो 1.5 इंच वाला मार्किंग था उसे कट करना है, यानी कि जो हमारा बैक वाला अमोल है उसे कट करेंगे। तो उसी शेप में हम इसे कट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ हमारी कटिंग हो गई। अब हम बीच से इस तरीके से ओपन करेंगे, एक पल्ले को हम निकाल लेंगे, यानी कि पीछे वाला जो पल्ला है हम उसे निकाल लेंगे, और फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से फिर से रखेंगे, और जो हमारा अमोल का सेव है उसे भी हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज लगे, आपको कहीं ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम हो उसे भी क्लियर आउट करूंगी। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी, अब हम चलते हैं अपने सिलाई की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ फ्यूचिंग को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है और लंबाई हमारी 7.5 इंच है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पर 2 तरीके का नेक बनाना बताऊँगी आपको, आप उसमें से जो भी चाहे उस हिसाब से बना सकते हैं। तो जहाँ से फोल्डर चार्ट उस तरह से हम इस तरीके से 3.5 इंच पे रखेंगे, और जिसकी गहराई लेंगे वो हम 6 इंच लेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे 2 तरीके का नेक आपको बताऊँगी, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी चाहें उसमें से बना सकते हैं। तो
तो सबसे पहले आपको फ्रंट वाला नेक बता देती हूँ, ये हमारा पहला नेक है। अब इस तरीके से हम 3.5 इंच पे और 5-6 इंच पे डीपनेस देके गहराई यानी कि अब हम एक चौकट्ठा निशान बना लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे वी शेप का नेक बनाऊंगी, तो वी शेप का नेक इस तरीके से आप स्केल को रखना है इस तरीके इजीली। ये बहुत सिंपल है और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर पिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके के ड्रेस कुर्ती सब भी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे तो बना सकते हैं, रक्षाबंधन, तीज और दुर्गा पूजा वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। एंड आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आप ये वीडियो देखने के बाद किस फेस्टिवल पे ये ड्रेस बना के पहनने वाले हैं। तो फर्स्ट नेट हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब देखिए सेकेंड नेट जो है उसको भी हम 3.5 इंच की गहराई देंगे इस तरीके से, और 1 इंच हम देख लेंगे मेरा स्टा है कि नहीं, और जो उसकी लंबाई वो हमारी 6 इंच है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको पहले एक चौकट्ठा निशान बना लेते हैं। किसी भी नेक को बनाने के लिए इस तरीके से चौकट्ठा निशान बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे मार्किंग करनी है। अब देखिए हल्का हल्का हमें कर्व देना और इस तरीके से राउंड शेप लेके मिला देना है, लाइक जैसे पान का शेप होता है सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और इसे बनाना बहुत आसान है और ये भी हमेशा ट्रेंड में चलता रहता है, इसकी ये कभी ट्रेंड से आउट नहीं होता, तो ज़रूर आप ट्राई करें। अब 1-1 इंच का हम इस तरीके से शेप देते हुए एक मिस मार्क कर लेंगे, ये देखिए यहाँ देखिए हमारी शेप तैयार हो गया इस तरीके से। पान का शेप हाफ पान है, जब ओपन करेंगे तो फ्रंट की देखिए वी शेप है। अब इसे भी कट कर सकते हैं चाहे तो इसे, बट मैं पान वाले शेप को कट करूँगी क्योंकि मुझे ये पान वाले शेप की बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी चाहे वो बना सकते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में दो तरीके का नेक बनाना बता दिया है, तो ये बहुत ही आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आई होप सो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए हमने इसमें कपड़े में चिपका लिया है, कपड़े में चिपकाने के बाद क्या करना है इस तरीके से हम सिल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हमने सिलाई कर ली, अब हम बीच में नॉच का इस तरीके से मार्क कर लिया यानी कट कर लिए। अभी दोनों नॉच को हम इस तरीके से सेंटर से मिलाएंगे, ये देखिए। और आप चाहे तो यहाँ पर पिनअप भी लगा सकते हैं जिससे आपकी फैब्रिक सिक्योर है, तो मैं यहाँ पर पिनअप लगाऊंगी ताकि मेरा कपड़ा इधर से उधर ना हिले डुले, इसलिए ये देखिए इस तरीके से। आपको फ्यूजिंग वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर रखना है या और जो हमारा कपड़ा है उसे नीचे की ओर इस तरीके से रखना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग के एकदम जस्ट साइड से एकदम बगल से हम एकदम सिलाई करते हुए राउंड में लेके चलेंगे, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ देखिए हमारी सिलाई हो चुकी, अब हम 1/2 इंच जितना मार्जिन देंगे और उसके बाद हम कपड़े को कट कर लेंगे अंदर वाले को इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से नॉट कट का मार्क करेंगे जिससे हमें कपड़े फ्यूजिंग को अंदर की ओर पलटने में आसानी हो और ये फिनिश के साथ पलटा जा सके। इसे पलटने के बाद आप एक ऊपर की से टॉप स्टिच की सिलाई भी दे दें ताकि ये इजीली पलट जाए। अब देखिए सेम उसी तरीके से हमने बैक पल्ले को तैयार कर लिया है, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा फ्रंट है। अब दोनों को इस तरीके से हमें शोल्डर को एक दूसरे के साथ रखना है और अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर में 1/2 इंच के जितना मार्जिन देके शोल्डर पहले सबसे पहले अटैच करूँगी, उसके बाद हम अमोल की फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया। अब जो अमोल के पास यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा आपका कपड़ा बढ़ेगा, वो सिलाई में थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, तो आपको क्या कल हल्का बस इस तरीके से घुमा दे के छाट देना, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा, इसलिए देखिए इतना ही कपड़ा आपको निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसे कट करके अलग कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिनिशिंग देनी है अमोल की। अमोल की फिनिशिंग मैं बहुत ही अलग तरीके से दूंगी, जैसे हम पाइपिंग ब्लाउज में लगाते हैं ना डोरी वाली, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने और पट्टी कट करके इस तरीके से डोरी को सिल लिया है। इसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बनाना बताया, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर चेक करें, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे डोरी कैसे बनाते हैं पाइपिंग वाली। तो अब देखिए जहाँ जो हमारे डोरी वाले हिस्से उसे हम सीधे के साइड रखेंगे, यानी कि जो हमारा गला वाला साइड उस साइड हम डोरी वाले हिस्से को रखेंगे और इस तरीके से एकदम एग्जैक्ट सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिल दिया है, आप देख सकते हैं डोरी वाले हिस्से। अब हम ये क्या करना है इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग साथ तैयार हुआ है। अब हम इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे और अंदर की ओर इस तरीके से रखेंगे, जिससे हमारा क्या कपड़ा जो स्टाइल वो अंदर चला जाएगा और हमारे डोरी वाले हिस्से
एकदम आगे फ्रंट में दिख जाएगा, दिखेगा। अब इसी तरीके से मैं इसे फोल्ड करके अंदर सिलते हुए चलना है। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए थोड़ा कपड़े के कलर की वजह से आपको फिनिशिंग नहीं दिख रही है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट मैं आपको जब पहनूंगी वेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग साथ तैयार होगा। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे अंदर को इस तरीके से फोल्ड करके सिल देंगे। यहाँ देखिए मैंने सिल दिया है, ये देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग साथ तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं फिटिंग की ओर। तो फिटिंग बहुत इजी तरीके से मैम लगाना है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे चौक की मार्किंग की थी जब हम कटिंग कर रहे थे, सेम उसी पे इस तरीके से हमें सिलाई चलाते हुए चलना है, जिस तरीके से आपने चौक की मार्किंग की उसी शेप में। या ध्यान दें कि आप शेप की मार्किंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब जो हमारी हिप वाली जहाँ से हमें चौक ओपन हो गई, वहाँ पर हमें सुई को उठा निकालना नहीं है, चाप उठाना और एक बार टर्न करना इस तरीके से, और एक सीध फिर से उल्टी सिलाई लेके जाना है इस तरीके से आर्म होल के पास से। इससे क्या होगा कि जो हमारा चौक बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी और फिनिशिंग साथ बनेगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस फिटिंग का सिलाई दे दिया है, आप एक दो सिलाई एक्स्ट्रा चाहे तो दे सकते हैं। अब चलिए चौक बनाते हैं। तो चौक बनाने के लिए देखिए क्या करना है, आपको इस तरीके से मशीन के अंदर फंसाना है कपड़े को, और जो एक्स्ट्रा एक इंच का कपड़ा था उसे हम इस तरीके से दबाएँगे, ये देखिए, और इसके ऊपर से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको सिलाई करते हुए चलना है, और आपकी चौक जो है बहुत ही सुंदर और क्लियर बन के तैयार हो जाएगी। दूसरे साइड में हम इस तरीके से टर्न करेंगे और सिलाई को लेकर नीचे की ओर आएंगे, इससे हमारा दोनों चौक जो एक साथ तैयार हो जाएगा। मैं सारी वीडियो में इसी तरीके से आपको तरीका बताती हूँ, और ये सही और परफेक्ट मेथड है चौक बनाने का, और आपका चौक जो है बहुत ही सुंदर और क्लियर बन के दिखेगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें आप। फ्रेंड्स, मैं इस कुर्ती को रक्षाबंधन में वेयर करने वाली हूँ, आप कब वेयर करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ फाइनल हो गया है, ये देखिए फाइनल लुक। अब नीचे का दामन हम फोल्ड कर देंगे और फाइनल लुक देखिए कुछ हमारा इस तरीके से। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।